लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आम सहमति नहीं बन सकी। अब एनडीए के उम्मीदवार और भाजपा सांसद ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के कोंडी कुनील सुरेश के साथ होगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान बुधवार को होगा। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए भाजपा के नेता मंगलवार रात बैठक करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब गेंद सरकार के पाले में है और वो परंपरा के अनुसार विपक्ष को उपसभापति का पद देने की पेशकश कर इस मुद्दे पर आम सहमति बना सकती है। बिरला और सुरेश ने मंगलवार को क्रमशः एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवारों के रूप में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस पद के लिए कांग्रेस के सुरेश को इंडिया के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतारने के बारे में उनकी पार्टी से परामर्श नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी सुरेश का समर्थन करने पर निर्णय लेंगे। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया, कोई बातचीत नहीं हुई, दुर्भाग्य से ये एक तरफा फैसला है। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुरेश के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और संभवतः वो आज रात होने वाली विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया के शीर्ष नेता अपनी रणनीति तैयार करने के लिए रात 8 बजे कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बुधवार सुबह होगा और एनडीए के पास चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष की पेशकश है कि सरकार विपक्षी परंपराओं के अनुसार उसे उपसभापति का पद दे और बदले में वो बिरला की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। हालांकि सरकार ने कहा कि बिरला की उम्मीदवारी को समर्थन सशर्त नहीं हो सकता क्योंकि अध्यक्ष सभी दलों का होता है और उनके नाम पर आम सहमति होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बनर्जी को लोकसभा के अंदर बातचीत करते देखा गया। जब राहुल गांधी अपने नामांकन के बाद सदन से बाहर आए तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो अध्यक्ष के मुद्दे पर बनर्जी के साथ किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। जवाब में राहुल गांधी ने कहा, जय संविधान।